यूपी के औरैया जनपद में विगत 15 फरवरी को कुएं में युवती के शव मिलने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में चाचा फरियाद यासीन और इसरार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए हत्या आरोपियों के पास से एक बोरा व रस्सी भी बरामद की है। देखिए दिबियापुर में दिनांक 15/2/22 को एक सेहुद ग्राम पड़ता है, उसके पास एक कुएं में एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी। उनको जब बाहर निकाला गया, उसकी शिनाख्त और पहचान की गई, उसके उपरांत जो सभी एंगल्स थे उसमें पुलिस ने काम किया और उस घटनाक्रम में एक बात निकल करके आई कि जो ये बच्ची थी ये दूसरे एक लड़के के साथ बातचीत किया करती थी और घर वालों को ये पसंद नहीं था कि वो इस लड़के के साथ बातचीत करे। इसको ही बुराई मानते हुए जब ये लड़की देर रात तक बात करी थी उस लड़के से, तो इनके घर के जो चाचा थे, सभी चाचा जैसे फरियाज, यासीन और इसरार, ये सभी लोगों ने मिल करके इस बच्ची का गला घोट दिया। साथ में ही इनकी डेड बॉडी को ले जाने के लिए एक बोरे का इस्तेमाल किया और बोरे में डेड बॉडी ले जा करके उस कुएं में फेंक दिया, ताकि घटना को भ्रमित करने के लिए इन्होंने उस लड़की का फ़ोन भी लिया और उसमें उसी लड़के का लास्ट डायल नंबर कॉल किया जिससे वो बातचीत किया करती थी, जिससे पुलिस को ये प्रतीत हो कि ये घटना उस लड़के द्वारा की गई है। लेकिन जब गांव वाले और सभी से पूछताछ की गई तो इसमें घटनाक्रम इसी तरीके से शामिल आया कि ये मामला ऑनर किलिंग का था और इसमें जो सभी अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार किया गया। इसमें एक वांछित अभियुक्त अनवार हैं, उनके लिए भी हमारी दबिश लगी हुई है और उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।